हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा में कैसे सेंध लगी, खुफिया कैमरे में पुलिस अफसरों ने बयां की है सच्चाई। जी हां दोस्तों, आपको बताएंगे पुलिस वालों का क्या कहना है, कैसे सर्च ऑपरेशन किया गया है दोस्तों, और क्या पंजाब सरकार की ये बड़ी चाल थी दोस्तों। इसका बड़ा खुलासा निकल कर सामने आया है, आप सभी के सामने बताने वाले दोस्तों हम। साथ ही आपको बताएंगे, जहां भारत पाकिस्तान सीमा पर बड़ी फायरिंग के बीच बड़ी ही अजीब खबर आ रही है दोस्तों, क्या है वो अजीब खबर। साथ ही भारत चीन सीमा पर मौजूदा हालात को स्थिर बताया गया है चाइना द्वारा, जबकि चाइना को पता है कि 14वें दौर की सैन्य वार्ताएं होने वाली है। जी हां दोस्तों, और अब खुद इमरान खान और पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष लड़ बैठे हैं दोस्तों, बताएंगे क्या है मुद्दा। और दोस्तों दिल्ली में लॉकडाउन लगाने को लेकर सीएम केजरीवाल ने अभी तक का सबसे बड़ा ऐलान क्या है दोस्तों, बताएंगे क्या कहा केजरीवाल ने लॉकडाउन को लेकर अभी। साथ ही आपको बताएंगे, जहां पर प्रवासी मजदूरों में लॉकडाउन की दहशत के बीच दिल्ली एनसीआर से फिर शुरू हुआ पलायन। जी हां दोस्तों, प्रवासी मजदूर निकलने लगे हैं दिल्ली से। जी हां, बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बताएंगे अरविंद केजरीवाल का क्या बयान आया है लॉकडाउन को लेकर। साथ ही अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर दोस्तों उठ रही है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर इस चीज को लेकर मांग। जी हां दोस्तों, मुस्लिम नेताओं को लेकर मांग उठती दिखाई दे रही है, क्या है पूरी खबर, कहां से ये बात उठी है दोस्तों, सारी जानकारी आज आपको देने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा सर्वे निकल कर सामने आया है दोस्तों, बताएंगे क्या है उत्तर प्रदेश और किसकी बनने वाली है सर्वे के मुताबिक सरकार। जी हां दोस्तों, और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने केशव प्रसाद मौर्य को बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है दोस्तों, क्या है वो जिम्मेदारी। और अगर आपको भी डीलर दे रहा है कम राशन, तो आप इन नंबरों पर तुरंत कर सकते हैं शिकायत, होगा तुरंत समाधान। जी हां दोस्तों, अगर आपको भी राशन कम मिलता है तो। जी हां, और ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट कब है दोस्तों, कब तक आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, हर तरह की आज आपको जानकारी देने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हां तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों। और अगर आप भी मोदी जी के उस काफिले को रोकने के लिए दुश्मनों को और उनके लिए बने दंगाइयों को अपराधियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा में कैसे लगी सेंध, इसको लेकर आज तक स्टिंग ऑपरेशन चला रहा है दोस्तों, जिसके बीच ये बड़ी खबर आ रही है, खुफिया कैमरे पर पुलिस अफसरों ने बयां की है मोदी जी के रास्ता रोकने की सच्चाई। आइए आपको भी बताते हैं दोस्तों, जहां पर पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा चूक को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। और इसी बीच दोस्तों मीडिया हाउस आज तक द्वारा दोस्तों स्टिंग ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद यह बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। आपको बता दें कि फिरोजपुर में इन्वेस्टिगेशन टीम की बात हुई है दोस्तों, फिरोजपुर जिले के बारीकी से खबर रखने के लिए जिम्मेदार डीएसपी सुखदेव सिंह की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि एक तो सरहदी इलाका है और ऊपर से तस्करी व आतंकवाद के लिए बदनाम क्षेत्र है। सवाल था कि आखिर प्रधानमंत्री की प्रस्तावित रैली से पहले खुफिया विभाग कैसे चूक गया, क्या डीएसपी और उनके विभाग ने प्रधानमंत्री की रैली से पहले जमीनी हकीकत का आकलन नहीं किया था। इस पर सुखदेव सिंह का जवाब चौंकाने वाला था दोस्तों। आपको बता दें कि सुखदेव सिंह ने बताया कि संवेदनशील इलाके में प्रधानमंत्री की रैली से पहले उन्होंने पूरी एक एक पल जमीनी हकीकत पर अपने आला अधिकारियों को वक्त रहते बताई थी, लेकिन 2 जनवरी को उन्होंने साफ कर दिया था कि किसान यूनियन प्रधानमंत्री का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरेगा। डीएसपी और उनकी टीम ने हर तरीके की जानकारी जुटाई थी और हर दिन की रिपोर्ट उन्होंने हर आला अधिकारियों के साथ साझा किया था, और साथ ही साथ अफसरों को खतरे के बारे में भी कई बार चेताया था। जिसके बाद आपको बता दें एसएसपी सुखदेव ने कहा कि किसानों का सड़क पर आने का पहले से ही कार्यक्रम था, इस बारे में एसएसपी यानी प्रधानमंत्री के विशेष सुरक्षा समूह को सजग कर दिया गया था, जब किसान अपनी जगह चल दिए और जब उन्होंने फिरोज शाह का नाका तोड़कर क्रॉस किया और धरना शुरू कर दिया,
तब भी जिले के एसएसपी को बता दिया गया था। दोस्तों खुफिया का काम घटना से पहले सूचना देना होता है, वो सब हमारी टीम ने किया था। यानी कि दोस्तों पंजाब के पूरे प्रशासन को इस बात की पहले से ही जानकारी थी कि दंगाई आज आने वाले हैं, जिसके बावजूद भी दोस्तों प्रशासन ने उनको खुली छूट दी है। जी हाँ, और पुलिस वाले का बयान आप सुनकर दंग रह जाएंगे। उनका कहना था कि वो दंगाई जो किसान के रूप में आए थे दोस्तों, उनका वो लोकल एरिया था, सरकार हमको मारने की भी इजाजत नहीं देती है डंडों से या लाठियों किसी भी चीज से, तो हम आखिर कैसे उनको रोकते। यानी कि दोस्तों पहले से पूरी जानकारी थी और स्टिंग ऑपरेशन ने पूरा खुलासा कर दिया है दोस्तों। और खुलासा ये हुआ है ओवरऑल ये बहुत बड़ी साजिश थी मोदी जी को रोकने को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी बारी है दोस्तों, आप कमेंट करके क्या बताना चाहेंगे ऐसे में मोदी जी के रास्ता रोकने को लेकर, इन दंगाइयों और उनके साथ दिए जाने को लेकर कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें जहां पीएम मोदी की सुरक्षा चूक का मामला, पाकिस्तान से भी खबर आ रही है जहां पाकिस्तान में डर का माहौल था और इसी बीच इमरान खान ने सीक्रेट मीटिंग बुलाकर अपने अफसरों को दी थी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, जिससे मैं मोदी जी का काफिला रोक दिया गया था दोस्तों। उसी समय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को हमले का डर था दोस्तों, जिसके तुरंत प्रभाव से सीक्रेट मीटिंग बुलाकर सभी अधिकारियों को चेतावनी दे दी गई। और इस मीटिंग को इमरान खान ने सबको चुप रहने के लिए कहा था दोस्तों। यानी कि TV9 भारतवर्ष के सूत्रों से मिली है इसकी बड़ी जानकारी। सूत्रों के मुताबिक इमरान को पाकिस्तान और खालिस्तान के जिक्र पर हमले का डर था। और गौरतलब है कि बीते 5 जनवरी को पीएम मोदी पंजाब के फिरोजपुर पहुंचकर 42,750 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखने वाले थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पंजाब में जो हुआ वो तो हुआ दोस्तों, लेकिन पाकिस्तान में इसका इफेक्ट देखने को मिला है और इमरान खान डरते हुए ये सीक्रेट मीटिंग बुलाई है। आपकी क्या इस पर राय सुझाव होगी कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि भारत हमारा कभी भी आगे से बिना फजूल हमला नहीं कर सकता, आगे से किसी पर वार नहीं कर सकता, ये बात कमेंट में इमरान खान को जरूर बता दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें जहां DRDO को मिली एक और बड़ी सफलता, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का किया गया है सफल परीक्षण। जी हां दोस्तों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन बोले तो DRDO ने आज एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलता पूर्वक परीक्षण किया है। स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक मिसाइल को थर्मल साइट के साथ एकीकृत कर मानव पोर्टेबल लॉन्चर से लॉन्च किया गया है। रक्षा मंत्रालय के प्रधान प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी दी है और बताया जा रहा है कि यह मिसाइल भारतीय सेना की पैदल सेना और पैराशूट स्पेशल फोर्स के लिए है दोस्तों। ऐसे में कॉन्ग्रेचुलेशन DRDO जरूर कह दीजिएगा दोस्तों इस सफल परीक्षण के लिए। अगली खबर की बात करें जहां भारत पाकिस्तान सीमा पर फायरिंग हुई है, जिसके बाद पाकिस्तान रेंजर्स ने अपना ही घुसपैठिया मार गिराया और शव को भी उठाकर लेकर चला गया। जी हां दोस्तों, भारत पाकिस्तान सीमा पर अटारी इलाके में स्थित सीमा निगरानी चौकी मुहावा जीरो लाइन पर एक पाकिस्तानी घुसपैठिया मार गिराया गया है दोस्तों। और गोली लगने के बाद ये पाकिस्तानी क्षेत्र में ही पहुंच गया, जिसे पाकिस्तानी रेंजर्स उठाकर ले गए। बता दें इसके तुरंत बाद सीमा सुरक्षा बल यानी BSF ने पाकिस्तान रेंजर्स के साथ फ्लैग मीटिंग की है, लेकिन पाकिस्तान रेंजर्स ने BSF अधिकारियों को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। जानकारी के मुताबिक मुहावा पोस्ट पर BSF की 144 बटालियन के जवान रविवार और सोमवार की मध्य रात्रि करीब 1 से 2 बजे के बीच गश्त कर रहे थे। बात करें अगली खबर की जहां भारत चीन सीमा पर मौजूदा हालात स्थिर है। जी हां दोस्तों, 14वें दौर की सैन्य वार्ता से पहले ड्रैगन ने कही है ये बात। आपको बता दें कि चीन ने मंगलवार को कहा कि भारत के साथ सीमावर्ती इलाकों में मौजूदा हालात स्थिर है। चीन ने इस बात की पुष्टि की है कि पूर्वी लद्दाख में तनाव वाले इलाकों में डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया पर बुधवार को कॉर्प्स कमांडर लेवल वार्ता का 14वां दौर आयोजित होगा। और चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने यह टिप्पणी की है। इससे पहले भारत में सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने कहा है कि भारत 14वें दौर की वार्ता से पहले पूर्वी लद्दाख में तनाव वाले इलाके के मुद्दों को हल करने के लिए चीन के साथ रचनात्मक बातचीत की उम्मीद कर रहा है। अगली खबर की बात करें जहां पाकिस्तान से एक और खबर, सेना अध्यक्ष बाजवा का कार्यकाल दूसरी बार बढ़ाने को लेकर उठा सियासी विवाद। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में सेना अध्यक्ष के कार्यकाल को लेकर सियासी विवाद खड़ा होने का संकेत है। विपक्षी दल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने आरोप लगाया है कि इसको लेकर प्रधानमंत्री इमरान खान बेवजह मसला खड़े कर रहे हैं। मुद्दा मौजूदा सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा के कार्यकाल को फिर बढ़ाने से जुड़ा हुआ है। बाजवा का
ना सिर्फ सेना बल्कि पाकिस्तान में सत्ता तंत्र के दूसरे हिस्सों पर भी गहरा प्रभाव समझा जाता है दोस्तों। साथ ही आपको बता दें, जहां पर अफगानिस्तान में गहराया मानवीय संकट, निपटने के लिए यूएन ने बनाया प्लान, दुनिया से मांगी $5 बिलियन की मदद। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र और उसके सहयोगियों ने युद्ध ग्रस्त देश की ढहती बुनियादी सेवाओं को बहाल करने को लेकर अफगानिस्तान के लिए $5 बिलियन की वित्तीय अपील की है। यूएन न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये यूएन और उसके सहयोगियों द्वारा किसी एक देश के लिए मांगी गई अब तक की सबसे बड़ी सहायता अपील है। मानवीय मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंडर सेक्रेटरी जनरल मार्टिन ग्रिफ ने दावा किया है कि अफगानिस्तान ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस प्लान के लिए अकेले 4.4 बिलियन की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अगली खबर की बात करें, जहां चीन के सामने रोया भारत का ये पड़ोसी देश, कहा प्लीज कर्ज में कुछ राहत दे दो, जिसके बाद ड्रैगन से मिला टका सा जवाब। बता दें, दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुके भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका ने चीन के सामने कर्ज में कुछ छूट के लिए गुहार लगाई है, लेकिन चीन ने कर्ज में किसी भी तरह की छूट देने से इनकार कर दिया है। 2 दिन पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति ने चीन से अनुरोध किया था कि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब है, लिहाजा चीन की तरफ से श्रीलंका को कर्ज स्ट्रक्चर में कुछ रियायत दी जाए, जिसे चीन ने न सिर्फ सीधे तौर पर नकार दिया है बल्कि श्रीलंका के बहाने चीन ने भारत और अमेरिका को भी लपेटने की कोशिश की है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, श्रीलंका के राष्ट्रपति के मदद मांगने के बाद ग्लोबल टाइम, जो कि चाइना का भोपू अखबार है दोस्तों, उसने अपने लेख में लिखा है कि भारत और पश्चिम ताकतों के कारण हुए व्यवधानों के बावजूद चीन ने श्रीलंका के प्रति मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा है और दोनों देशों ने वर्षों से व्यापक आर्थिक और व्यापार सहयोग किया है, विशेष रूप से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के तहत। निश्चित रूप से चीन नहीं चाहता कि श्रीलंका आर्थिक संकट में डूबे और चीन जहां भी हो सके उसकी मदद करेगा, लेकिन श्रीलंका के ऋण संकट का कारण क्या है और चीन कैसे मदद कर सकता है, इसका निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही चीन के विदेश मंत्री ने भारत को नसीहत देते हुए कहा है कि चीन और श्रीलंका के संबंध में किसी भी थर्ड पार्टी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो चीन की श्रीलंका के संबंध में आक्रामक नीति को जाहिर करता है। यानी कि दोस्तों, चाइना ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि एक तो हम पहले जांच करेंगे, उसके बाद आपको कर्ज देंगे दोस्तों, लेकिन आपकी ये हालत पश्चिम देशों और भारत की वजह से हुई है। यानी कि दोस्तों, भड़काने की और श्रीलंका के नजरों में भारत के लिए जहर घोलने की कोशिश चाइना द्वारा की जा रही है। जी हाँ, इस पर आपकी क्या राय, सुझाव होगी दोस्तों कमेंट में, क्या जवाब देना चाहेंगे चाइना को जरूर बताइएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तबीयत में सुधार, सोमवार को आई थी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस से संक्रमित हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तबीयत में सुधार आ रहा है, ये जानकारी मंगलवार को रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने दी है दोस्तों। और इसी से जुड़ी जो बड़ी खबर है, जहां पर राजनाथ सिंह के कोरोना पॉजिटिव होने पर चीनी मीडिया ने कर दी है ऐसी घिनौनी और गंदी टिप्पणी। क्या है टिप्पणी, आपको बता दें कि चाइना के भोपू अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक एक्सपर्ट के हवाले से लिखा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कोरोना से संक्रमण होना ये बताता है कि कोरोना ने भारतीय सैनिकों पर बेहद बुरा असर डाला है। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं भारतीय सेनाओं को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहा है ये चीनी मीडिया। जी हाँ दोस्तों, क्या जवाब होगा आपका कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर वायुसेना की बढ़ेगी और भी ज्यादा ताकत, फरवरी में भारत को मिलेंगे 3 और राफेल लड़ाकू विमान। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना की ताकत में अब जबरदस्त वृद्धि होने जा रहा है। सेना को फ्रांस से 1 या 2 फरवरी को 3 राफेल लड़ाकू विमानों की खेप मिल सकती है। इन लड़ाकू विमानों को भारतीय सेना की जरूरतों और भारतीय मौसम के अनुकूल बनाया गया है। आधुनिक तकनीक से लैस ये विमान हर परिस्थिति में दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। कुल मिलाकर भारत को फ्रांस से अब केवल 4 और राफेल लड़ाकू विमान मिल रहे हैं, जिनमें से आखिरी राफेल अप्रैल में मिलने की आशा जताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर ताइवान से बड़ी खबर, एयरबेस से उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद रडार से गायब हुआ F-16 लड़ाकू विमान। बता दें, ताइवान का F-16 लड़ाकू विमान गायब हो गया और ये घटना उस समय हुई है जब लड़ाकू विमान मंगलवार को अपने नियमित प्रशिक्षण मिशन पर था और वो उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद रडार से गायब हो गया। लड़ाकू विमान के गायब होते ही ताइवानी सेना में अफरा तफरी मच गई। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां नौसेना को बड़ी कामयाबी, सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण, पश्चिमी तट पर सटीक बैठा निशाना। जी हाँ दोस्तों, भारतीय नौसेना
सेना ने मंगलवार को सुपर सोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया और पश्चिम तट पर तैनात लड़ाकू युद्धपोत INS विशाखापट्टनम से इसे दागा गया। मिसाइल ने अचूक निशाना दागा है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए DRDO को थैंक यू जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों एक बार फिर चलते अगली खबर की तरफ, जहाँ श्रीलंका में बड़ा हाहाकार, 700 रुपए किलो हरी मिर्च और 200 रुपए किलो मिल रहा है वहाँ पर आलू। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बता दें जहाँ अमेरिका से खबर है, जहाँ पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारने और किडनैपिंग की बड़ी धमकी, 72 साल का बुजुर्ग कर लिया गया है गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने सोमवार को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की धमकी के आरोप में न्यूयॉर्क में एक 72 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में अभियोजकों ने जानकारी देते हुए कहा है कि थॉमस मेलनिक नाम के शख्स ने जानबूझकर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को मारने, किडनैप करने और शारीरिक चोट पहुंचाने की धमकी दी है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अगली खबर की बात करें, जहां चाइना से बड़ी खबर, शीतकालीन ओलंपिक से पहले टूटा कोरोना का कहर, तीसरे शहर में लगा लॉकडाउन, 2 करोड़ से ज्यादा लोग घरों में बंद। जी हाँ दोस्तों, चीन में कोरोना वायरस महामारी का कहर बढ़ता ही जा रहा है, वो भी ऐसे समय में जब शी जिनपिंग की सरकार बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों की तैयारियों में जुटी हुई है। लगातार खराब होती स्थितियों से निपटने के लिए अब अन्यांग शहर में भी प्रशासन ने लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब चीन में कुल 3 शहर ऐसे हैं जहाँ कोरोना के केस बढ़ने के बाद सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। साथ ही आपको बता दें, अगले 6 से 8 हफ्तों में ओमिक्रॉन से संक्रमित हो जाएगी यूरोप की आधी से ज्यादा आबादी। जी हाँ दोस्तों, WHO ने ये बड़ी चेतावनी दी है। जी हाँ, साथ ही आपको बता दें, जहाँ पर भारत की खबर आ रही है, भारत में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने किया है बड़ा अलर्ट, कहा सावधान, दिल्ली में 48 घंटों में आ सकता है कोरोना का सबसे पीक। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि निश्चित रूप से इस सप्ताह राजधानी में कोरोना के केस पीक पर पहुंचने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बता दें, दिल्ली में कोरोना की डराती रफ्तार, आज फिर नए केस 21,000 के पार, 23 और मौतें, अब तक 15,90,000 लोग संक्रमित हुए हैं। दोस्तों इसी बीच जब बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में लॉकडाउन लगाने को लेकर CM केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा है कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन नहीं करेगी और लोगों से चिंता ना करने का आग्रह किया है। पत्रकारों से बात करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि शहर में आज लगभग 22,000 नए COVID-19 मामले सामने आने की संभावना है। फिर उन्होंने कहा कि चिंता ना करें, हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। DDMA की बैठक में हमने केंद्र सरकार के अधिकारियों से प्रतिबंधों के लिए पूरे NCR को कवर करने का अनुरोध किया है, उन्होंने हमें उसी पर आश्वासन भी दिया है। दोस्तों इसी बीच जो बड़ी खबर, जहां प्रवासी मजदूरों में लॉकडाउन की दहशत के बीच दिल्ली NCR से पलायन शुरू हो रहा है। दोस्तों दोबारा लॉकडाउन ना लग जाए दिल्ली में या दिल्ली NCR में, दोस्तों इसी की आशंकाओं के डर से प्रवासी मजदूरों ने एक बार फिर पलायन करना शुरू कर दिया है। क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों आप लोग दिल्ली सरकार को, या फिर जो पलायन कर रहे हैं उन लोगों को, आपकी तरफ से क्या सलाह होने वाली है दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। बात करें अगली खबर की, जहां संसद भवन में भी कोरोना विस्फोट मिला है। दोस्तों 119 कर्मचारी निकले हैं पॉजिटिव। जी हां, इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश चुनाव में कम से कम 20 मुस्लिम नेताओं को मिले टिकट, BJP के अंदर उठी है ये मांग। जी हां दोस्तों, द प्रिंट की खबर के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने मुस्लिम नेताओं के लिए टिकट की मांग करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में ऐसी बहुत सी सीटें हैं जहां बड़ी तादाद में मुस्लिम आबादी है और इनमें से कई सीटों पर हम 2017 के विधानसभा चुनाव में बेहद कम वोटों के अंतर से हारे थे। उदाहरण के तौर पर संभल, मुरादाबाद और मेरठ जिलों को देखिए, जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है, फिर भी हम वहां से जीते हैं। दोस्तों ऐसे में कम से कम 20 मुस्लिम नेताओं को टिकट मिलना चाहिए BJP में, ऐसा दोस्तों सिद्दीकी जी का कहना है। आपकी क्या इस पर राय, सुझाव होगी, क्या मुस्लिम नेताओं को टिकट मिलना चाहिए दोस्तों, आपके राय में कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर सपा को बड़ा फायदा, BJP को बहुत बहुमत मिलेगा, लेकिन सर्वे क्या कहता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में फिर एक बार योगी की सरकार, या सपा करेगी पलटवार, बसपा करेगी साइलेंट अटैक, या कांग्रेस कर देगी कमाल, इन सभी सवालों का जवाब 10 मार्च को ही मिलेगा। मगर यूपी की सियासत किस ओर करवट लेगी, इसकी सांकेतिक तस्वीरें अभी से ही दिखने लगी है। आपको बता दें,
हैं कि टाइम्स नाउ के ओपिनियन पोल में ये बड़ा दावा किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराएगी, मगर पिछले चुनाव की तुलना में सीटों के लिहाज से नुकसान भी होगा, जबकि सपा को जबरदस्त फायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, कितने कितने किस पार्टी को सीटें मिलेंगी दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यानी कि कहीं ना कहीं सरकार तो बीजेपी की ही बन रही है दोस्तों, लेकिन सीट में बढ़ोतरी सपा पार्टी को काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। आपकी क्या राय सुझाव होगी इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा, कौन सी पार्टी कितनी सीट लाएगी दोस्तों आपके राय से कमेंट में बताना मत भूलिएगा। बात करें अगली खबर की, जहां पर पंजाब में बड़ा बीजेपी का कुनवा, चार बड़े नेता हुए पार्टी में शामिल। जी हां दोस्तों, साथ ही बता दे जहां पर अगर आपको भी डीलर दे रहा है कम राशन तो अभी करें इन नंबरों पर शिकायत, तुरंत होगा आपको समाधान। जी हां दोस्तों, ये स्क्रीन पर आप नंबर देख पा रहे होंगे, जिस भी राज्य के हैं दोस्तों आप लोग, तो आपके राज्य के हिसाब से हमने वो नंबर स्क्रीन पर दे दिया है। आप जहां भी जिस राज्य में होंगे वहां पर ये नंबर डायल कीजिएगा दोस्तों, आप तुरंत अपने डीलर की शिकायत इस नंबर पर कर पाएंगे दोस्तों, और आपको जरूर समाधान मिलेगा। अगर आप भी राशन लेने जाते हैं, राशन कार्ड दिखाते हैं या अंगूठा लगवाते हैं दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कम राशन दिया जाता है स्कीम के हिसाब से, तो आप इस पर शिकायत अवश्य करिएगा। कितनी जगह और कितने भाइयों बहनों के साथ ऐसा हुआ है कि उनको राशन कम मिला है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। कॉल नहीं कर सकते दोस्तों तो स्क्रीन पर जरूर हमें बताइएगा, ताकि अगर ये सही मुद्दा लगा तो इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। अगली खबर की बात करें, जहां पर क्या है ई श्रम रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट, क्या है योजना से जुड़े हर सवाल का जवाब आज आपको बता रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा जो 500 रुपए की क्रेडिट का स्कीम था दोस्तों, उसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर था 2021। लेकिन दोस्तों, अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो असंगठित क्षेत्र से अगर आप जुड़े हैं तो बिना परेशान हुए कभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अगली खबर आ रही है बड़ी, जो रेलवे से जुड़ी खबर है, वैक्सीन की दोनों डोज लगवाए बिना ट्रेन में नहीं कर पाएंगे सफर, रेलवे की नई गाइडलाइन जारी की गई है दोस्तों। बता दें, अब आप बिना दोनों वैक्सीन लगवाए ट्रेन में सफर नहीं कर पाएंगे दोस्तों, आपके पास दोनों डोज की सर्टिफिकेट होनी जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कितने भाई और बहनों ने दोनों डोज लगवा लिया है कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें दोस्तों। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है दोस्तों, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा, अगली खबर का इंतजार करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली ही खबर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।